लास्ट देखते हैं ट्रेड क्लू के आफ्टर मार्केट के ब्रेकआउट स्कैनर में किस तरह के स्टॉक्स है और उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। तो ले चलता हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर मार्केट सेक्शन है जिसमें हमने ब्रेकआउट सिलेक्ट किया है, जिसमें हमें वो स्टॉक्स मिल जाते हैं एक दिन पहले जिसमें आपको ब्रेकआउट ढूंढना है। जैसे यहाँ पे भारतीय एयरटेल आया है, यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई मॉर्निंग में ही। भारतीय एयरटेल ने शार्प अपमूव दिया है, मेजरली अगर देखा जाए तो वो रेड बैंड के ऊपर जाके सस्टेन हो गया है। वेल, जब भी स्टॉक रेड बैंड के ऊपर जाता है तो यहाँ सारे सेलर्स फंस जाते हैं, और खास बात यह है कि ऊपर जाने के बाद में एंटायर डे वो हायर रेंज में ही रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि हायर रहने के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर के डॉट्स भी आ गए जो कहते हैं कि आपको बाइंग के लिए फोकस करना है। तो इसी वजह से आप मॉर्निंग में भी एक अच्छा ट्रेड ले सकते थे भारतीय में, उसके साथ साथ अगर आपको आफ्टरनून में भी ट्रेड लेना है तो वहाँ पर भी आप बाइंग करके ब्रेकआउट पकड़ सकते थे। वेल, ये हो गई भारती की बात। कुछ और देखते हैं एफएनओ के स्टॉक्स। जैसे एसआरएफ में आप देख सकते हो कि दो रेड बॉक्सेस हैं, मॉर्निंग में ही शार्प मूवमेंट आती है, रेड बॉक्सेस के ऊपर चला जाता है स्टॉक, और ग्रीन डॉट लाइंस का मतलब ये हो गया कि बायर्स काफ़ी अग्रेसिव है। सेम चीज़ अगर मैं टेक्निकल और ऑप्शन लेवल्स पर अगर लगा देता हूँ तो मुझे ये भी दिखता है कि डेली रेजिस्टेंस और वीकली रेजिस्टेंस वो दोनों ही लाइन को उसने मॉर्निंग में ही क्रॉस करा था, और उसी वजह से एंटायर डे अगर आप देखेंगे एसआरएफ में तेजी बनी रही थी। वेल, इस तरह के स्टॉक्स आप सुबह ही पकड़ सकते हो यूजिंग ब्रेकआउट क्वेरी। वेल, यहाँ देख लेते हैं सीमेंस में, वो रेड बॉक्स के ऊपर नहीं जा पाया, बट जैसे ही उसने गया एक काफ़ी अच्छी मूवमेंट उसने सीमेंस में भी दी। गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पे वो रेड बॉक्स के ऊपर जा ही नहीं पाया तो हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। वेल, इसी तरह से आप ब्रेकआउट के स्टॉक्स ट्रेड क्लू में पकड़ सकते हैं एक दिन पहले, और फोकस करिए मॉर्निंग में एग्जीक्यूशन करें और उसको एंटायर डे तक होल्ड कर सकते हैं।